होने वाले प्रयागराज के कुंभ की तैयारियों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद के सदस्य, जिला पंचायत के जो हमारे अध्यक्ष हैं, साथ ही शहर के प्रयागराज के तमाम सारे यहाँ के कुंभ या प्रयागराज की महिमा को जानने वाले और वरिष्ठ लोग, पार्टी के भी हमारे वरिष्ठ कई जानकार लोग आज इस बैठक में शामिल रहे। और जो अभी तक तैयारियां की गई हैं, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है, उस प्रेजेंटेशन के बाद बहुत महत्वपूर्ण माननीय सभी साथियों के द्वारा सुझाव भी दिए गए, और उस सुझाव के क्रम में मैं यही कहूंगा कि 2025 का जो कुंभ मेला है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला वैसे भी है, वह 2019 से भी ज़्यादा अच्छा होगा। स्वच्छता की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों के और कल्पवासियों के सुविधाओं की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, घाटों की दृष्टि से, मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या न रह जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने के लिए पहले से भी काफ़ी कुछ तैयारी की हुई है और कई आज सुझाव महत्वपूर्ण दिए गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 का कुंभ मतलब आने वाले पीढ़ियों के लिए, 2019 तो अपने आप में पूरे विश्व में आज भी एक बहुत अच्छी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन 25 का जो हमारा कुंभ होगा वह उससे भी और अच्छा होगा और व्यवस्थित होगा। आज की बैठक के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा है, समझा है, उससे ये जानकारी मिली। मथुरा में बागी बिहारी मंदिर के आसपास मांस मुद्रा पर प्रतिबंध है, तो यहाँ पर भी क्या ऐसी? हाँ, निश्चित तौर से प्रयागराज के लिए भी विचार करेंगे, क्योंकि मेला क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ, निर्णय शासन स्तर पे होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि मदरसों को सर्वे के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ना मदरसों को बदनाम किया जा रहा है और ना सर्वे के नाम पे परेशान किया जा रहा है। सर्वे केवल वहाँ जो भी समस्याएं, उनको समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, कुंभ की बैठक कर रहे हैं 6 महीने से, यहाँ करीब 200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला। नहीं, वेतन नहीं मिला होगा तो उनको वेतन मिलेगा, कहीं कोई कठिनाई होगी, जानकारी आएगी तो उसको देखेंगे। ये चूंकि अलग से प्राधिकरण बना हुआ है कुंभ मेला का, तो प्राधिकरण के कारण से हो सकता है कोई तकनीकी कारण होगा, लेकिन उसको देख लिया जाए।